नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, सभी को दीपावली की ढेरों 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 शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की ये अमावस्या बहुत ही पावरफुल होती है माता लक्ष्मी की पूजा के लिए। आज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा खूब जोर शोर से करें। स्नान आदि करके स्वच्छ हो, पूरे घर को स्वच्छ रखें। आज के दिन कोई भी अपशब्द ना हो, कोशिश करें लाल कलर के कपड़े पहने। माता रानी को भी लाल कलर की चुनरी अर्पित करें। लाल कलर के कपड़े के ऊपर माता रानी की स्थापना करें। माता रानी की पूजा में वो तमाम चीजों का यूज करें जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज में बता दिया है। और कोई चीज का यूज कर पाए या ना कर पाए, माता जी को आप कौड़ी, गोमती चक्र, कमल गट्टे, मिठाई, गुलाब के फूल, कमल के फूल, दक्षिणावर्ती शंख, ये तमाम चीज़ें आज के दिन माता रानी को जरूर अर्पित करें। साथ में चांदी के ठोस हाथी, जो लोग आज के दिन माता रानी को अर्पित करते हैं उनका मान सम्मान भी दोस्तों जबरदस्त रूप से बढ़ता है। जिनके भी घर में माता लक्ष्मी की पूजा दीपावली के दिन और आम दिनों में भी बहुत अच्छे तरीके से होती है, उनके घर में कभी भी गरीबी नहीं आती, कभी नहीं आएगी, आप देख लेना। जिनके घर में रोज श्री सुक्त का पाठ होता है उनके घर में कभी गरीबी नहीं आती। दीपावली वाले दिन, धनतेरस वाले दिन श्री सुक्त का पाठ हर व्यक्ति को अपने घर में करना चाहिए। माता रानी को आपको मीठा दूध या केसर वाली खीर माता रानी को अर्पित करें। खीर में आप पंचमेवा जरूर मिलाएं ताकि आपके जीवन में तमाम प्रकार की खुशियां उतर करके आए। झाड़ू जो हम यूज करते हैं, झाड़ू को भी माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। आज के दिन झाड़ू में पैर बिल्कुल भी ना लगाएं। झाड़ू को आज संध्या समय ही, पूजा के समय ही आप मेन कमरे में रखें, पूजा स्थान में रखें। पूरा दिन झाड़ू को छुपा करके रखें। झाड़ू को दोस्तों हमेशा छुपा करके ही रखना चाहिए, कभी भी खुली ऐसे ही बाहर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से जो घर का धन है उसको हट जाता है, उसका हरण हो जाता है। कई लोगों को देखना झाड़ू लगाया, झाड़ू बाहर दीवार पर ही रख दी, पूरी दुनिया उसको देख रही है। जो ऐसा करते हैं उनके घर में धन नहीं टिकता है। आज के दिन पूजा स्थान में झाड़ू रखें। झाड़ू दोस्तों मैं आपको बता दूं, कम से कम 3 झाड़ू खरीदनी चाहिए। जब भी आप झाड़ू खरीदते हैं 3 झाड़ू खरीदें। 3 झाड़ू जो 3 का अंक है, ये लक्ष्मी प्रदान है, ये भगवान विष्णु का अंक है। जो लोग 3 झाड़ू खरीदते हैं उनके घर में हमेशा लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। आज के दिन झाड़ू पर हल्दी जरूर लगाएं। आज के दिन झाड़ू का जहाँ हैंडल होता है वहाँ पर पीला, लाल या हरे कलर का धागा या फिर तीनों कलर का मिक्स धागा जरूर बांध दें। आज के दिन हल्दी पर, झाड़ू पर हल्दी, कुमकुम, चावल, फूल, ये सारी चीज़ें अर्पित करके और झाड़ू की आरती उतार लेनी चाहिए। और इस झाड़ू से जब आप साल भर घर का कचरा निकालेंगे, माता लक्ष्मी आप पर जबरदस्त रूप से प्रसन्न होती हैं। घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहे। तो आज पूजा में झाड़ू रखें, झाड़ू में इन चीज़ों को लगाएं और उसके बाद ही आप पूजा करें और आप देखेंगे कि घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। झाड़ू की पूजा आज के दिन बहुत ज़्यादा जरूरी है। झाड़ू अच्छा वाला यूज़ करें, महंगे वाला यूज़ करें, सस्ता झाड़ू यूज़ ना करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है दोस्तों जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते रहेंगे कभी भी लाइफ में गरीबी नहीं आती। तो जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सभी को दीपावली की ढेरों 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 शुभकामनाएं। अगेन अगेन एंड अगेन, जय श्री कृष्ण, हैप्पी दिवाली।